हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ए एल पी के ऑनर स्पैरेंट्स के बारे में जो ए एल पी में या तो अपना जोन चूज कर चुके हैं या फिर चेंज कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं जब से ये एल पी में जोन चेंज करने का मौका मिला है छात्रों का कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ गया और इससे पहले मैंने एक दो वीडियो बनाई इस टॉपिक पर मैंने एक एक चीज़ें आपको बताई थी बारीकी में कि आप चाहे कोई सा भी जोन चूज़ करें कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा लेकिन क्योंकि बिलासपुर में बहुत ज्यादा वैकेंसी है मैक्सिमम स्टूडेंट बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं और यूट्यूब पर ऐसा बताया जा रहा है कुछ वीडियोस के द्वारा कि बिलासपुर अब सेफ जोन नहीं रहा है और यूट्यूब पर कुछ बड़े बड़े टीचर जिन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं वो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि अब बिलासपुर में अप्लाई मत करना देखो अगर आप डायरेक्टली किसी को इंडिकेशन देते हो और आप एक फेमस चेहरा हो यूट्यूब पर तो काफी लोग आपकी बात मानते हैं तो छात्रों को ये भ्रमित करने का काम ऐसे टीचर्स ना करें क्योंकि मैं एक चीज बता दूं बिलासपुर में चाहे आठ लाख से भी ज्यादा फॉर्म आ जाए तब भी बिलासपुर सेफ जोन रहेगा और ये बात मैं इस वीडियो में प्रूव करने वाला हूं इस वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखें चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट का आप यूज कर सकते हैं टेस्टबुक की तरफ से अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है जिसमें ईयरली टेस्टबुक पास प्रो आपको मात्र फाइव में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक से जब आप इसको परचेज करेंगे और ईजी डन कोड का यूज करेंगे तो आपको ट्वेल्ल का ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँगा आप लोग स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एल टेक्नीशियन ग्रुप डी आरआबीजी एन एन सभी के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाते हैं एनटीपीसी के सीबीटी वन और सीबीटी टू के एक हजार बीस से ज्यादा आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं टू सिक्सटी नाइन चैप्टर हैं चालीस आपके सेक्शनल टेस्ट हैं इक्कीस फुल टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं साथ ही सीबीटे टू के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टेस्ट बुक में आपको सभी टेस्ट सत्रह प्लस लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं बीस लाख से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं जिससे आपको एग्जेक्ट एनालिसिस मालूम चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसके अलावा प्रीवियस ईयर के भी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड टेस्ट देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप रेलवे एस बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो देखो जिस टाइम तक ए का जोन चेंज करने का लिंक नहीं आया था तो उस टाइम पर मैंने एक डाटा प्रिपेयर किया था और इस डाटा में मैंने एक बात बोली थी अगर आपने ये वीडियो देखा हो मैंने कहा था कि भाई जो ऊपर के पांच जोन है जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर फॉर्म बढ़ेंगे और जो ये फॉर्म बढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है ये नीचे के किसी ना किसी जोन से स्टूडेंट उठ कर आएंगे तो उस आधार पर मैंने यहाँ पर एक पूरा ये डाटा बनाया था कि भाई कितना चेंज हो सकता है यहाँ पर मैंने बिलासपुर में पाँच लाख जो फॉर्म है वो अज्यूम किए थे हालाँकि इससे ज़्यादा हैं बिलासपुर में ये बात झूठ नहीं है बिलासपुर में शायद आठ लाख के आसपास फॉर्म ना जाए लेकिन अगर बिलासपुर में आठ लाख फॉर्म आ रहे हैं तो बाकी जोन में फॉर्म कम भी दो रहे हैं तो इस आधार पर मैंने ये पूरा डाटा बनाया था इसमें मैंने आपको दिखाया था तो आप लोग देखेंगे कि सभी जोन का परसिट कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट सात पांच छे यही मतलब सेम सेम है ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो एक बात यहां से आपने नोटिस की कि अगर आप किसी भी जोन में जा रहे हैं तो परसीड कॉम्पिटिशन तो सेम ही यानी कि एक सीट पर जो फाइट है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है कुछ स्टूडेंट जो है परसीड कॉम्पिटिशन को कट ऑफ का आधार बनाते हैं उनको लगता है कि परसीड कॉम्पिटिशन से ही कट ऑफ बनती है तो उनके लिए अगर देखा जाए तो वो किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि परसीड कॉम्पिटिशन सभी जगह पर सेम है हालांकि ऐसा होता नहीं है कट ऑफ के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं सिर्फ भीड़ को देख आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर काफ़ी फेमस टीचर हैं काफ़ी लोग फॉलो करते हैं उनको उन्होंने बोला कि भाई बिलासपुर मत जाओ बिलासपुर में जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गए हैं तीस परसेंट स्टूडेंट बिलासपुर चले गए हैं अब यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा ये डेंजर जोन बन चुका है लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिलासपुर में अगर ज़्यादा फॉर्म जा रहे हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि एक बात आप लोग देखो एक स्टूडेंट जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया है उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और कहाँ पर कम है अगर मान लो कि मैं एक मान लो स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मैं इस बार क्वालीफाई कर लूँगा चाहे मैं कहीं से भी भरूँ तो मैं बिलासपुर की तरफ क्यों जाऊँगा मैं किसी भी जोन में जा सकता हूँ तो यानी कि यहाँ पर मैटर करता है क्वालिटी अब मान लो बिलासपुर में आठ लाख फॉर्म आ भी गई ये आठ लाख सिर्फ भीड़ है सी बी की मान लो कि इस आठ लाख में एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा है तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बनता है क्वालिटीफुल कैंडिडेट से जो इनकी तैयारी पीक लेवल की होती है और ऐसे स्टूडेंट्स सभी जोन में होते हैं चाहे आप किसी भी जोन में चले जाओ बिलासपुर में अगर मान लो कि चार हज़ार प्लस वैकेंसी है तो क्या वहाँ पर चार हज़ार स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनकी तैयारी टॉप लेवल पर होगी बिल्कुल होंगे तो कट ऑफ बनाएंगे वो स्टूडेंट उनके पीछे के जितने स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक भीड़ होती है सिर्फ़ एक फ़ायदा है बिलासपुर में जाने का वो ये है कि आप सी बी टी क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि सी बी में ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे पंद्रह गुना कैंडिडेट जाएंगे तो आप सी बी में आ जाओगे लेकिन अल्टीमेटली तो सी बी वही क्वालिफाई करेगा जिसकी तैयारी बेहतर है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी के कहने पर अगर आप बिलासपुर चूज़ कर रहे हो तो भी गलत है ठीक है किसी के कहने पर अलाहाबाद चूज़ कर रहे हो वो भी गलत है मैंने पहले भी ये बात बोली है जोन चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस को फाइंड करो ये देखो मेरी तैयारी कैसी है अगर आप एवरेज बिलो एवरेज हो तो बिलासपुर की तरफ जाओ सी बी क्वालीफाई करो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा सी बी के लिए मेहनत करो लेकिन सच्चाई जो उसके पीछे की है वो यही है कि हर जोन में क्वालिफाई तो क्वालिटी वाला कैंडिडेट ही करेगा जिसकी तैयारी बहुत बेहतर है तो इस बात से फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि ये डेंजर जोन है या ये फिर सेफ जोन है यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट हो गए हैं भीड़ हो गई है तो कोई अगर आपको ये कह रहा है कि इस बिलासपुर मत जाओ उसके कहने से आप मत चूज करो बाकी जोन क्योंकि सभी जोन में कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा कट ऑफ में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा यह बात आप देख लेना एक से डेढ़ या दो नंबर का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको सभी जोन में तो यह था यहाँ पर थोड़ा सा मेरा खुद का अनुमान बाकी आप लोग समझदार हैं मैं फिर भी ये बात कहूंगा किसी के कहने से जोन चेंज मत करना नहीं चूज करना अपनी कंडीशंस को देखो और अपने अकॉर्डिंगली एक जोन को जो है आप लोग चूज करें